नमस्कार, मैं संगीता राय पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूं। और सीधे चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो आजमगढ़ से है। देखिए हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। वाराणसी के डाकघर से करोड़ रुपए गायब होने के बाद अब आजमगढ़ जिले में भी एक व्यक्ति के खाते से करीब 1.25 लाख गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने डाकघर के उप पोस्टमास्टर और दो एजेंटों के खिलाफ फर्जी तरीके से हस्ताक्षर बनाकर रुपया निकाले का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुबारक पट्टी गाँव के रहने वाले अयोध्या सिंह का बनकर के उप डाकघर में बचत खाता है। इनके बचत खाते में करीब 9 लाख रुपया था। करीब एक वर्ष बाद जब वे अपना पासबुक लेकर पोस्ट ऑफिस गए तो पता चला कि उनके खाते से 1,15,380 रुपए फर्जी तरीके से बनाकर निकाल लिए गए हैं। जानकारी होते ही अयोध्या सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित का आरोप लगाया कि उप डाकघर के उप पोस्टमास्टर हरेंद्र सिंह और दो एजेंटों ने मिलकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर रुपया निकाल लिया। हमारे साथ सर बनकट डाकघर से जो है हमारा सेविंग का खाता था, उससे 1,15,380 रुपये दिनांक 9/9/2017 को वहाँ के उप पोस्टमास्टर हरिंदर सिंह द्वारा फर्जी विड्राल लगाते हुए निकाल लिए। उसके बाद फिर हमको सर एक वर्ष के बाद जानकारी हुई, जब हम पोस्ट ऑफिस ब्याज लगवाने के लिए गए तो हमारे पासबुक में कटिंग कुटिंग करके बैलेंस सही करने लगे, जबकि हमारे पासबुक में न एंट्री था और न ही पासबुक में चढ़ा था। वो खाली अपने अभिलेख में माइनस करते हुए हमारे खाते से पैसा निकाल लिए। हमको जानकारी नहीं हुई, जो है पुलिस विभाग में FIR दर्ज किए हैं और SO मुबारकपुर एवं SP आजमगढ़ द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपके मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। हमारे ऊपर प्रेशर बना के कर रहे हैं, जैसे एक तरह से ज़बरदस्ती हमसे मनवाना चाहते हैं कि आप ही की दस्तखत। ये दस्तखत का मसला तो सिग्नेचर स्पर्ट होता है, ये तो फोरेंसिक जांच के अंतर्गत आता है। उनको फोरेंसिक जांच करानी चाहिए हमारा हस्ताक्षर है कि नहीं है। अपने मन से स्वयं कैसे जबरदस्ती कर देंगे कि ये आपकी। वही पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर उप पोस्टमास्टर और दो एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। देखिए, ये चौकी बनकट क्षेत्र है, थाना मुबारकपुर का, वहाँ पे उप डाकघर है। वहाँ पे एक प्रकरण ये आया है कि अयोध्या सिंह नामक एक कस्टमर है, उन्होंने ये बताया है कि उनके अकाउंट से विड्रॉल भर करके कुछ लोगों ने जो है उनमें से 1,15,000 रुपये जो है निकाल लिए। उनका ये कहना है कि जो विड्रॉल फॉर्म पे जो दस्तखत हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फर्जी हैं और गलत तरीके से फ्रॉड करके निकाला गया है। तो इस संबंध में जो है थाना मुबारकपुर पर एक मुकदमा हम लोगों ने जो है वो कायम किया है और उस मुकदमे की जो है तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो हमें जो दरख्वास्त मिली है, उस दरख्वास्त में ये लिखा हुआ है कि जो उप पोस्ट मास्टर हैं और दो एजेंट्स का इसमें जो है वो संलिप्तता है और जो जिसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी इस क्षेत्र में जो है इस तरह की ये पहली घटना है, और लेकिन संज्ञान में ऐसा आया है कि ये गिरोह है जो इस तरह की घटनाएँ कर रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में की हैं। हम लोग इसकी और छानबीन कर रहे हैं और अगर तथ्य प्रकाश में आएंगे तो हम लोग और भी अधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे।